पाकिस्तान सुपर लीग 2024 PSL 24 में पेशावर जलमी की रिटेंशन। पेशावर जलमी ने कौन से खिलाड़ी रिटेन करने हैं, कौन से खिलाड़ी रिलीज करने हैं, जानिए मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में तो रंगारंग मेला 8 फरवरी से 24 मार्च तक सजने का इम्कान है। अगर हम बात करें पेशावर जलमी के रिटेन खिलाड़ियों के बारे में तो कन्फर्म है कि प्लाटीन कैटेगरी में पेशावर जलमी की टीम सिर्फ बाबर आजम को रिटेन करेगी, जबकि उनकी दो जगह खाली रहेंगी। जबकि डायमंड कैटेगरी के वाले से बात करें तो रोमान पवा, जो पिछली मरतबा प्लाटिनम कैटेगरी का हिस्सा थे, वो डायमंड में मुंतकिल कर दिए जाएंगे बतौर ब्रांड या एम्बेसडर। उसके अलावा अगर रोमान पवा को ना रिटेन किया गया तो पिछली मरतबा शरफ अली रदरफोर्ड डायमंड कैटेगरी का हिस्सा थे, वो फिर डायमंड कैटेगरी का हिस्सा रहेंगे। जबकि डायमंड के दूसरे खिलाड़ी के हवाले से बात करें तो सैम अयूब और मोहम्मद हारिस में से एक डायमंड कैटेगरी में रहेगा, जबकि डायमंड कैटेगरी की तीसरे खिलाड़ी की जगह खाली रहेगी। गोल्ड कैटेगरी के वाले से बात करें तो सैम अयूब और मोहम्मद हारिस में से एक खिलाड़ी डायमंड में रहेगा और एक गोल्ड में रहेगा। एक को बतौर मेंटोर या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा। जबकि गोल्ड के दूसरे खिलाड़ी के वाले से बात करें तो आमिर जमाल को गोल्ड कैटेगरी में बरकरार रहने दिया जाएगा। जबकि गोल्ड के तीसरे खिलाड़ी के वाले से बात करें तो वहाब रियाज के जाने के बाद फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो इंतहाई कमजोर हो चुका है, इसलिए ज्यादा चांस है कि सलमान इरशाद और अरशद इकबाल में से किसी एक को बरकरार रखा जाएगा। और हो सकता है कि अगर शरफानी रदरफोर्ड बरकरार रहे और रोमान पवाल ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर ना बनाए गए तो ज्यादा चांस है कि सलमान इरशाद और अरशद इकबाल में से किसी एक को बरकरार रखा जाए, लेकिन सिल्वर कैटेगरी में बरकरार रखा जा सकता है। अगर रोमान पवाल ही बरकरार रहे डायमंड कैटेगरी में प्लाटिनियम से तो फिर यह कर दिया जाएगा कि सलमान इरशाद और अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम और उस्मान कादिर में से इन चार खिलाड़ियों में से सिर्फ एक गोल्ड कैटेगरी में बरकरार रहेगा। जबकि सिल्वर कैटेगरी में पिछली मरतबा टॉम कोलर कैडमोर थे, वही सिल्वर कैटेगरी का हिस्सा रहेंगे। उसके अलावा सिल्वर की चार जगहें खाली रहेंगी। जबकि इमरजिंग खिलाड़ी के वाले से बात करें तो हसीबुल्ला खान इमरजिंग कैटेगरी में बरकरार रखे जाएंगे। जबकि RTM कार्ड के जरिए सलमान इरशाद, अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम और उस्मान कादिर में से एक खिलाड़ी को पिक किया जाएगा। पेशावर जलमी के रिलीज खिलाड़ी के वाले से बात करें तो प्लाटिनम कैटेगरी में बनू करा जपक्सा, डायमंड कैटेगरी में वहाब रियाज और मुजीबुर रहमान, जबकि गोल्ड कैटेगरी में दानिश अजीज और हारिस सोहेल, सिल्वर कैटेगरी में खुर्रम शहजाद और इमरजिंग कैटेगरी में साद मसूद को रिलीज किया जाएगा, ये कंफर्म है। जबकि सुपरमेंट्री कैटेगरी में जैमी निशम को लिया गया था, हो सकता है कि किसी कैटेगरी में उनको बरकरार रखा जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि उनको भी रिलीज किया जाएगा।